देखिए बहुत सा नज़ारा आपको देखने को बहुत ही अच्छा दृश्य मिल रहा है। और देखिए गंगा घाट के बगल में महादेव नमस्कार दोस्तों, अभी हम सुल्तानगंज घाट पे हैं। जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बहुत से कांवड़िया भक्त शिव भक्त आए हुए हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। अगर चैनल पर न है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इधर सभी जो कांवड़िया भाई हैं, इधर सभी जो है स्नान करके अभी पूजा पाठ कर रहे हैं जल को, और यहाँ से जल उठाकर जो है बाबा केदारनाथ धाम में चढ़ाते हुए यहाँ से देवघर की ओर रवाना होंगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं। इधर जो जितने भी कांवड़िया भक्त हैं, शिव भक्त हैं, देखिए अभी किस तरह से जो है बाबा का पूजा कर रहे हैं, और अपने जितने जो भी कांवड़ में जल भरे हैं, देखिए किस तरह से जो है पूजा किया जा रहा है। और ठीक इसी तरह से पूजा करके जो है यहाँ से जल उठाएंगे सुल्तानगंज से और बाबा धाम की ओर रवाना होंगे। तो चलिए हम आगे भी दिखाते हैं। और इधर भी देख सकते हैं, इधर माता बहने हैं। तो चलिए माता बहने किस तरह से पूजा करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए अभी हम गंगा घाट किनारे का नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से जो है कांवड़िया भाई डुबकी लगाते हैं। तो जो है और देख सकते हैं इधर बहुत से कांवड़िया भाई आए हुए हैं। तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हम जो है गंगा घाट किनारे आ चुके हैं, और इधर देख सकते हैं इधर बहुत से कांवड़िया भक्त जो है देख सकते हैं डुबकी लगा रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं किस तरह से पूजा करने के बाद जो है बोलम का नारा लगाते हुए, देखिए चारों साइड से जो है राउंडिंग मार रहे हैं कांवर को। जितने भी जल भरे हुए हैं वो सभी को राउंडिंग मार के जो है बाबा का परिक्रमा जो है यही पूरा कर लेते हैं। उसके बाद आगे का नजारा जो है आप लोग देखिएगा। चलिए हम आगे भी दिखाते हैं। बोलम का नारा है, बाबा एक सहारा पैसा छुटी है खुदरा हमारे हाथ में दीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ जो है अभी बहुत ही सजावट किया गया। पिछले साल जिस तरह से किया गया था, इस साल भी उसी तरह आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इधर घाट के जैसा बनाया गया है, और देख सकते हैं उधर दो दो नाव लगा हुआ है ताकि जितने भी कांवड़िया बोलबम को आते हैं वो सभी उस ब्रैकेट के भीतर ना जा पाए। जा क्या है कि उधर गहरा पानी है ताकि जितने भी बोलबम आते हैं वो डूबे ना। और इधर देख सकते हैं पूजा होने के बाद देख सकते हैं किस तरह से बोलबम का नारा लगाते हुए घूम रहे हैं। ये अभी आप देख सकते हैं, और ये देखिए अभी बहुत सा भीड़ लगा हुआ। देखिए बहुत सा नज़ारा आपको देखने को बहुत ही अच्छा दृश्य मिल रहा है। और देखिए गंगा घाट के बगल में देखिए किस तरह सा जो है ऊपर में बादल छाया हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं इधर भी देख सकते हैं उधर नाव जो है बगल में लगा हुआ है ताकि जितने भी बोलबम जितने भी कांवड़िया भक्त आदि भक्त आते हैं स्नान करने के लिए वो उस ढाट के उस पार ना जाए ताकि आगे जो है गहरा पानी है और डूब भी सकते हैं। इसलिए जो है वो नाव देख सकते हैं इसके लिए उधर लगाया गया है ताकि किसी को भी दिक्कत ना। तो देख सकते हैं ये सुल्तानगंज से जब आएंगे तो ये पहला ओवर ब्रिज मिलेगा, और ये पहला फुहरा देख सकते हैं किस तरह से जो है बारिश के जैसा यहाँ लगाया गया है। और कांवड़िया भाई को चलने में बहुत ही आसान और बहुत ही आनंद आता है। देख सकते हैं ऊपर से जो है पानी गिर रहा है नीचे की ओर, देख सकते हैं ये देखिए जिस तरह से बारिश पड़ता है उसी तरह से यहाँ लगाया गया है। तो देख सकते हैं ये इधर पक्की सड़क है, और पक्की सड़क का जो है वो अब अंत होने वाला है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट कच्ची सड़क पे ले जाते हैं। और यहाँ से आपको सिर्फ कच्ची सड़क ही मिलेगा, इसके अलावा आपको पक्की सड़क नहीं मिलेगा। 10 किलोमीटर जाने के बाद जो असरगंज तक आप जाएंगे उसके बाद जो आपको पक्की सड़क का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ये ओवर ब्रिज है, और इसके नीचे से जो है अंडरग्राउंड होते हुए कांवड़िया भाई जाते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। और ये रास्ता है सुल्तानगंज से आने की, देख सकते हैं यहाँ जब आएंगे तो ये अंडरग्राउंड होते हुए जो आप बाहर की ओर जाएंगे। और यहाँ एक सेवा शिविर लगाया गया है, निःशुल्क सेवा, जो भी कांवड़िया भाई को दिक्कत तकलीफ होता है वो यहाँ आप उनको इलाज करवा सकते हैं, देख सकते हैं। और वहाँ एक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया गया है। तो चलिए सीधे हम आगे चलते हैं। तो देख सकते हैं इधर अंदर का नज़ारा जो है कुछ इस तरह का है, और अभी हम कच्ची सड़क यानी कि कच्ची कांवड़िया पथ आ चुके हैं। देख सकते हैं इधर जो है आपको हर जगह दुकान ही दुकान मिलेगा, और इधर देख सकते हैं इधर बहुत ही दुकान लगा हुआ है। और ये साइड जो है आपको खेत खलिहान जो ज़्यादा देखने को मिलेगा, पानी तानी भी भरा हुआ। बोल बाप।
देख सकते हैं किस तरह से पूजा करने के बाद जो है बोलबम का नारा लगाते हुए देखिए चारों साइड से जो है राउंडिंग मार रहे हैं। कांवर को जितने भी जल भरे हुए हैं वो सभी को राउंडिंग मार के जो है बाबा का परिक्रमा जो है यहीं पूरा कर लेते हैं। उसके बाद आगे का नज़ारा जो है आप लोग देखिएगा। चलिए हम आगे भी दिखाते हैं।